शाम 6 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास पर यह होगी बड़ी बैठक और यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी बैठक करेंगी। आपको बता दें यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी आज बैठक करने जा रही हैं और शाम को 6 बजे ये बैठक होगी। और सोनिया गांधी के आवास पर होगी ये बड़ी बैठक। यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी बैठक करेगी और शाम को 6 बजे ये बैठक उनके आवास पर होगी। सीईसी की बैठक है जिसमें चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी और शाम को 6 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी आज और सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। आपको बता दें यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बैठक करेंगी और यूपी चुनाव को लेकर बैठक होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास? सीईसी की बैठक होनी है आज सोनिया गांधी के आवास पर, चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बैठक की बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को पूरी कमान जो है खासतौर यूपी की सोनिया गांधी ने सौंप रखी है और समय प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकता है पार्टिसिपेट करें, लेकिन बाकी तमाम नेता चाहे वो आराधना तिवारी बात करें यूपी से, अजय कुमार लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष है यूपी के, या अन्य नेताओं की बात करें, तमाम नेता जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ेंगे और यूपी की आगे की भूमिका कैसी होगी, कांग्रेस किस तरह चुनाव लड़ेगी, किस तरह की चीजें आगे होंगी, उन जो विषयों को लेकर यहाँ पे माथापच्ची होगी। दूसरी बड़ी चीज ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो 40 से 50 नाम जो है वो फाइनल कर दे, यानी सीईसी की बैठक में कौन यूपी से कौन कौन से प्रत्याशी होंगे उन्हें लेके भी पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। लेकिन अभी कितने जो 40-50 हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो 40 से 50 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक कांग्रेस ने ये भी स्पष्ट नहीं किया किन पार्टियों के साथ उनका गठबंधन होना है, कौन कौन से लोग होंगे। प्रियंका गांधी लगातार यूपी में क्या दौरा कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, संगठन के लोगों से मिल रही है और आज इसी को लेके ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी अमित, जो मुख्य नाम है कांग्रेस से वो कौन कौन है जो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने वाले हैं इस बैठक में? देखिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, इसके साथ ही हम अजय कुमार लल्लू की बात करें जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, आराधना तिवारी की बात करें और कांग्रेस संगठन के लोग खासतौर पर प्रदेश के जो है वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे, चाहे वो एक यूपी के महासचिव हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के तमाम विधायक है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि पहली जो बैठक है पहले जो है पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी और उस रणनीति के बाद आगे की रणनीति क्या होगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या पहली सूची पे भी मंथन हो। और हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके लिए बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद एक लिस्ट अजय कुमार लल्लू के साथ मिलकर तैयार की है कि आखिरकार कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी कौन होंगे। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट को लेके भी कुछ नामों पे मोहर लगा सकती है। जी अमित, जैसे कि आपने बताया सूत्रों के हवाले से आपके पास ये खबर है कि कई नाम इसमें जुड़ सकते हैं, 40-50 जो है नाम जुड़ने की उम्मीदवारी है कि उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है, कितना अहम है क्योंकि अभी यूपी में चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद? देखिए काफी अहम है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अब यूपी में कांग्रेस ना के बराबर है, तमाम दल चाहे वो बीजेपी बात करे, समाजवादी पार्टी बात करे, अन्य बात करे, इसी तरह की चीजें सामने आ रही है। और खुद अगर हम अखिलेश यादव के पिछले बयान देखें तो उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं होगा। जाहिर तौर पे उनका इशारा जो है वो कांग्रेस तरफ था कि पिछली बार जो उन्होंने गठबंधन किया था चाहे वो मायावती के साथ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो या कांग्रेस के साथ बात कर रहे हो, अच्छा नहीं रहा अनुभव, छोटे दलों की बात हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम दल जो है वो कांग्रेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं और कांग्रेस अगर एक सूची जारी करती है अपनी 40-50 प्रत्याशियों की सूची जारी करती है तो जाहिर तौर पर अन्य पार्टियों पर ना सिर्फ दबाव बनेगा बल्कि इस बात के भी ज्यादा चांसेज होंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस गठबंधन कर सके।
पिछले अगर हम चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय भी कांग्रेस की ये स्थिति थी कि लास्ट मोमेंट पे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, सम्मानजनक सीटें मिली। वो अलग की बात है कि दोनों पार्टियां जो है मिलके भी अपनी सरकार नहीं बना पाए, और यही वजह है कि अखिलेश यादव भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और कांग्रेस भी अपनी रणनीति जो है वो मजबूती से यूपी चुनाव को विधानसभा चुनाव को लेकर खड़ी करना चाहती है। जी अमित, जैसे कि छोटे छोटे दलों के साथ सपा का जो है गठबंधन शुरू हो गया है, मुख्य पार्टी मानी जाती है सपा उत्तर प्रदेश में, अब आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, कुछ गठबंधन हो सकते हैं छोटे छोटे दलों के साथ, कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, इम्पॉसिबल नाम का शब्द जो है वो राजनीति में नहीं आता। जाहिर तौर पर तमाम चीजें हो सकती है, खासतौर पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी पार्टियां भी एक साथ एक मंच पे आ सकती हैं, लेकिन वो चीजें देखने को मिली। तो राजनीति में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस के आने वाले दिन जो है वो समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी के साथ दिखे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही है, तमाम चीजें जो है वो बैकडोर से चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ बात हो या बहुजन समाज पार्टी। अमित, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शाम को 6 बजे मीटिंग होनी है, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सोनिया गांधी के आवास पर एक बड़ी बैठक होनी है, सीईसी की ये बैठक है जिसमें यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी बैठक करेंगी। खबर औरैया से है जहां छात्रों के भविष्य